नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार UGEAC 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू। पितृपक्ष मेला से संबंधित परेशानी अब एक कॉल में होगी दूर। दाखिल खारिज को लेकर भूमि राजस्व विभाग ने व्यवस्था में किया बदलाव। SBI, HDFC और ICICI समेत तमाम बैंक दे रहे हैं व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा। एशिया कप के मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार UGEAC 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड BCECEB ने बिहार UGEAC 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि JEE मेन 2022 स्कोर वाले उम्मीदवार अब BE या BTEC प्रवेश के लिए बिहार UGEAC 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार UGEAC 2022 आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बिहार UGEAC 2022 आवेदन फॉर्म भरने के लिए अंतिम तारीख 9 सितंबर 2022 है। वहीं मेरिट सूची 11 सितंबर 2022 को प्रकाशित की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नीलिमा अजीम की। नीलिमा अजीम एक भारतीय अभिनेत्री, शास्त्रीय नर्तकी, लेखिका और अभिनेता शाहिद कपूर ईशान खट्टर की मां हैं। वह भारत में टेलीविजन शो में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। नीलिमा अजीम के पिता बिहार के एक मार्क्सवादी पत्रकार और उर्दू लेखक अनवर अजीम थे और उनकी माँ खदीजा ख्वाजा अहमद अब्बास की रिश्तेदार थी। अजीम ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कथक रूप का अध्ययन किया और बिरजू महाराज और मुन्ना शुक्ला की छात्रा रही हैं। आपको बताते चले कि नीलिमा अजीम का जन्म 2 दिसंबर 1958 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अब ट्रांसफर से पहले पुलिस कर्मियों से नहीं पूछी जाएगी जिलों की ऐच्छिक विकल्प। बिहार पुलिस ने तबादले के नियम में बदलाव किया है। बदलाव ये है कि ट्रांसफर से पहले पुलिस कर्मियों से उनकी ऐच्छिक विकल्प नहीं पूछी जाएंगी। नई नीति में बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मियों से तबादले के लिए उनकी इच्छा नहीं पूछी जाएगी। पुरानी नीति में जिला व रेंज टर्म पूरा होने पर तबादले से पूर्व पुलिस कर्मियों से ऐच्छिक विकल्प मांगे जाने का नियम था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। ADC मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि 90,000 पुलिस कर्मियों के कार्य हित और भविष्य कल्याण को देखते हुए नई पॉलिसी बनाई गई है। हालांकि नई तबादला नीति में पति पत्नी यदि बिहार पुलिस में कार्यरत हैं तो यथासंभव एक स्थान पर उनकी पोस्टिंग की कोशिश की जाएगी। पितृपक्ष मेला से संबंधित परेशानी अब एक कॉल में होगी दूर। आगामी 9 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार पितृपक्ष मेला में संभावित भीड़ का आकलन करते हुए तीर्थयात्रियों को प्रशासन विशेष सुविधा देने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि पिंडदान करने पहुंचे पिंडदानियों को तर्पण के लिए फल्गु नदी का शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलेगा। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ई समाधान या IVRS नंबर जारी किया गया है, जो कि 9266662 8168 है। इसके अलावा एक हंटिंग लाइन भी बनाया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 0631222500 है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 0631222253 या 59 है। पितृपक्ष मेला अवधि में नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे कार्यरत रखा जाएगा। फिलहाल यह सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कार्यरत है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने यांत्रिक और नाविक के इतने पदों के लिए निकाली अधिसूचना। इंडियन कोस्ट गार्ड ने यांत्रिक या नाविक के कुल मिलाकर 300 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10th या 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिप्लोमा पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़े हुए समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। लड़कियों के खिलाफ हिंसा में कई गुना बढ़ी सजा। बिहार में लड़कियों की हिफाजत के लिए कानून ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में अब सजा कई गुना बढ़ा दी गई है। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार में महिला और बच्चों का उत्पीड़न करने वालों पर सजा दिलाने का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर हम पिछले 3 वर्षों की बात करें तो 2020 में ऐसे कुल 92 आरोपितों पर पोक्सो एक्ट लगाया गया है। 2021 में इसकी संख्या बढ़कर 270 हो गई। वहीं 2022 में बढ़कर 268
सीट पर पहुंच गई है। सजा की बात करें तो 2020 में कुल 126, 2021 में इसकी संख्या दुगने से भी ज्यादा बढ़कर 315 हो गई है। वहीं 2022 में 317 को इस मामले में सजा दी गई है, जिसमें 2020 को इस मामले में एक को फांसी दी गई। 2021 और 22 में 4-4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जिनमें 2020, 21 और 22 में क्रमशः 37, 61 और 72 लोगों को आजीवन कारावास का भी सजा मिला है। इन आंकड़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में सजा देने में बढ़ोतरी हुई है। त्रिमोहिनी संगम इस वजह से है बेहद खास। त्रिमोहिनी संगम बिहार राज्य के कटिहार जिला के कटरिया गांव के निकट स्थित नदियों का संगम है। यहां प्रमुख रूप से कोशी का गंगा में मिलन होता है, जिसके साथ ही कलबलिया नदी की एक छोटी धारा की उत्पत्ति होती है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरवाहिनी गंगा का संगम है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। संगम के समीप ही बाबा बटेश्वरनाथ का प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर भी है। पटना विश्वविद्यालय में आज से होगा स्पॉट राउंड में यूजी के लिए आवेदन। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। पटना विश्वविद्यालय से स्पॉट राउंड की प्रक्रिया से एडमिशन के लिए आज से पोर्टल खोला जा रहा है। जो भी छात्र नामांकन से चूक गए हैं, वो आज से एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि चौथे राउंड काउंसलिंग के बाद बचे हुए खाली सीटों पर नामांकन के लिए स्पॉट राउंड की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से होगी। स्पॉट राउंड में भाग लेने के लिए च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया 28 अगस्त यानी रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पटना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यूजी के नामांकन के लिए च्वाइस फिलिंग के लिए पोर्टल खुला रहेगा। बारिश की संभावनाओं पर टकटकी लगाए हैं लोग। मौसम का मिजाज कब बदल जाए किसी को नहीं पता। बिहार में बारिश संबंधी गतिविधियां इन दिनों बदलती हुई दिख रही हैं। कभी बारिश तो कभी धूप लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से बारिश का नामो निशान नहीं है, इस वजह से तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है। बीते दिन सुबह से ही लोग सूरज की तीखी किरणें और बढ़ती तापमान से परेशान दिखे। इससे पहले मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमान में कहा गया था कि 27 अगस्त को अच्छी बारिश होने की संभावना है, लेकिन राजधानी पटना सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों को बादल भी देखने को नहीं मिला। हालांकि पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान से अगले 3 दिन राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर लगा 1 लाख का जुर्माना। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी पर पटना हाईकोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल साल 2015 में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 3 महीने के भीतर आवेदक के विस्तृत अभ्यावेदन पर व्यक्तिगत पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित करने का निर्देश दिया था, लेकिन विभाग ने 6.5 वर्ष के बाद भी अदालती आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अभ्यावेदन दाखिल करने के बाद और आदेश पारित करने के पहले जो भी विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात हैं, उन सभी से बराबर राशि से जुर्माना वसूला जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। तेजस्वी यादव की कोच में हुई पेशी। बीते दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना की अदालत में पहुंचे। दरअसल बीते दिन तेजस्वी यादव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कोर्ट में हाजिर हुए। इससे पहले इसी तरह आचार संहिता मामले में तेजस्वी यादव के पिता और राजद सुप्रीमो लालू यादव को हाजीपुर व्यवहार न्यायालय की विशेष अदालत ने बरी किया था। आचार संहिता उल्लंघन के 7 साल पुराने मामले में लालू यादव को कोर्ट ने बरी किया। लालू प्रसाद यादव पर जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने का आरोप था। दाखिल खारिज को लेकर भूमि राजस्व विभाग ने व्यवस्था में किया बदलाव। बिहार में सबसे ज्यादा शिकायत जमीन के मामलों से जुड़े आते हैं, इसी में से एक है दाखिल खारिज का मामला। लोग जमीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसके दाखिल खारिज के लिए लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है और राज्य भर में सबसे अधिक जमीन से जुड़े मामले में दाखिल खारिज के मामले ही आते हैं। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने व्यवस्था में बदलाव किया है। आपत्ति और गैर आपत्ति वाले मामलों का अलग अलग निपटारा होगा। इसको लेकर विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों और अंचलों को निर्देश दिया है। वहीं दाखिल खारिज को सरल तरीके से कराने के लिए इसे सेवा के अधिकार नियम में लाते हुए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपत्ति वाले दाखिल खारिज मामले में अलग से निपटारा किया जाएगा। SBI, HDFC और ICICI समेत तमाम बैंक दे रहे हैं व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। इसके जरिए SBI अपने ग्राहकों को बैलेंस, पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट जैसे बैंकिंग सेवाओं की पेशकश कर रहा है। SBI कस्टमर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को साइन अप करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाई लिख कर 9022690226 पर भेजें। वहीं HDFC बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा के लिए आपको 707002222 नंबर पर हाई लिखकर भेजना होगा। ICICI बैंक के लिए
8640086400 BOB व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए 8433887777 और एक्सिस बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए आप 7036165000 पर हाई लिखकर भेज सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, सुनियोजित तरीके से मुझे बदनाम किया गया है। दिल्ली के गुरुग्राम मॉल पर 3 दिन पहले रेड डाली गई थी, जिसे तेजस्वी यादव का बताया गया था। इस बात की जानकारी जब तेजस्वी यादव को हुई तो वो इस पर खूब भड़के। इसके बाद बीते दिन तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट के माध्यम से एक अखबार की कटिंग साझा करते हुए लिखा कि भाजपा ने गोदी मीडिया के साथ मिलकर मेरा मॉल बताकर पूरे दिन झूठा प्रचार किया। मैंने तुरंत विधानसभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साक्ष्य और सबूतों सहित बताया कि यह मॉल भाजपा नेताओं का है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और एक भाजपा सांसद का इससे संबंध है। जब उस मॉल में हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं की संलिप्तता की बात सामने आई, तब जाकर व्हाइट लैंड कंपनी कह रही है कि तेजस्वी यादव का इस कंपनी और मॉल से कोई संबंध नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब सच्चाई सामने आती है तो अधिकांश गोदी मीडिया उस सच्ची खबर को दरकिनार कर देती है तथा कुछ उसे किसी कोने में एक छोटी सी खबर के रूप में छाप देते हैं कि रिपोर्ट गलत थी। विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। राजस्व परिषद के अपर सदस्य का एक पत्र साझा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने वो दिखाया है जिसमें श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव से 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। पत्र में पूछा गया था कि जिस शख्स विवेक सावंत के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया था, उसे CM हाउस बुलाया गया, क्या इसकी जानकारी नहीं थी। नेता विपक्ष ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए सवाल किया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इस मामले में की निष्पक्षता से स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएंगे, क्योंकि यह मामला सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जल्द ही अन्य विभागों की गड़बड़ियां भी मैं लोगों के सामने लाऊंगा। सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी कोई कूलर नहीं है, जब चाहे जिसको ठंडा कर देंगे। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया है कि सरकार में आने के बाद तेजस्वी गुंडे की तरह बात करने लगे हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि वो कोई कूलर मशीन नहीं है, कि वो जब चाहे जिसको ठंडा कर देंगे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस लहजे में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई गुंडा बात कर रहा है। बिहार की 12.5 करोड़ जनता चुनाव जिताकर किसी को भेजती है, जब कोई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनता है, अनैतिक गठबंधन बनाकर किसी को डरा कर सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। 2024 में बिहार की जनता उन्हें पूरी तरह ठंडा कर देगी। ललन सिंह ने छापेमारी को लेकर भाजपा को खूब लताड़ा। ललन सिंह ने CBI की छापेमारी पर भाजपा को खूब लताड़ा है। बीते दिन जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा गुरुग्राम मॉल के मुद्दे पर किए गए ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि झूठ फरेब और चरित्र हनन करने के प्रयास का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा के नेतागण पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में जो हो रहा है वह पूरा देश देख रहा है। नैतिकता के पाठ पढ़ाने के बजाय पहले खुद नैतिकता का पाठ पढ़ें। शिक्षकों को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की दो टूक। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक तरह से विद्यालय के सभी शिक्षकों को से अपील भी की है और चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षकों से कहा कि वो क्लास के दरमियान खड़े होकर क्लास लें। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार सरकार ने सबसे ज्यादा 51,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए दिए हैं, जिसमें 42,000 करोड़ वेतन मद में खर्च किए जा रहे हैं। सुशील मोदी ने ललन सिंह को किया चैलेंज। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद दोनों ही तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बोलते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि ललन सिंह और राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने ही कभी अदालत में CBI को वे दस्तावेज उपलब्ध कराए थे जिसके कारण चारा घोटाला के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है। उन्होंने कहा कि आज अगर ये दोनों CBI को कोस रहे हैं और लालू यादव के कसीदे गढ़ रहे हैं तो लोक लाज छोड़कर कौन बदल गया। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो ललन सिंह घोषणा करे तो लालू प्रसाद निर्दोष हैं और उनके विरुद्ध दिए गए सारे कागजात फर्जी हैं। यहाँ खुला महागठबंधन चाय वाला टी स्टॉल। आजकल राजधानी पटना में कई यूनिक नाम के चाय के स्टॉल खोले जा रहे हैं।
इस बीच बिहार में महागठबंधन की सरकार आने की खुशी में महागठबंधन चाय वाला के नाम से स्टॉल खोला गया है। इस छोटे से स्टॉल पर आपको अन्य चाय स्टॉल की तरह ही चाय की मिलेगा, लेकिन खास बात यह है कि इस स्टॉल पर लिखा है महागठबंधन चाय वाला, जो कि महागठबंधन की सरकार से आने से खुश लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये तस्वीर पटना के बेली रोड से आई है। इस दुकान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप यादव की तस्वीर इनके समर्थकों को आकर्षित कर रहा है। अगले महीने आ सकते हैं बीजेपी के कई कद्दावर नेता। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब अगले महीने में भाजपा के कद्दावर नेताओं का एक बार फिर बिहार आगमन होगा। खबर के मुताबिक अगले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर सकते हैं। खबर यह है कि अमित शाह एक बार फिर 15 सितंबर से पहले सीमांचल आने का कार्यक्रम बना रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सितंबर में बिहार आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 15 सितंबर के बीच अमित शाह की पूर्णिया में बड़ी जनसभा हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय नेताओं के आने का सिलसिला भी सितंबर में होगा। बिहार बीजेपी ने इसके मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। शराब कारोबारियों को हुई 10 साल की सजा। बिहार में शराब कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर बिहार सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों उत्पाद कोर्ट 2 में शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। बता दें कि यह पूरा मामला नवगछिया से है, जहां पदाधिकारियों को यह पता चला कि चोरी छिपे एक ट्रक में 0 माइल से महदतपुर खड़ीक की ओर से शराब की एक बड़ी खेप गुजर रही है। उसके बाद उस ट्रक को पकड़ा गया और उसमें से 4,000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुआ। अब इस पूरे मामले में दोनों आरोपी अश्विनी कुमार पांडे और पिंटू मंडल को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही इनके ऊपर 2,00,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। एशिया कप के मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। शनिवार 27 अगस्त से श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले से एशिया कप 2022 का आगाज हो गया है। आज का मुकाबला भारत और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के बीच है। सबकी निगाहें इस मैच पर लगी हुई हैं। भारत इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है। मालूम हो कि पिछली बार साल 2018 में खेले गए 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में भारत ने आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। वहीं इस साल एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। आपको बताते चले कि सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है। भारत पाकिस्तान सीमा पर 2001 में गोलीबारी, पाकिस्तान के 8 सैनिक मारे गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय 2008 में किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 को बिहार में आए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल टीवी राजेश्वर का जन्म 1926 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का जन्म 1928 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष M.G.K. मेनन का जन्म 1928 में हुआ। प्रसिद्ध आधुनिक साहित्यकार राजेंद्र यादव का जन्म 1929 में हुआ था। चर्चित लेखिका सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री सरस्वती प्रसाद का जन्म 1932 में हुआ। भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर का जन्म 1952 में हुआ। और आज ही के दिन आमेर के राजा और तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह का निधन 1667 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे SBI द्वारा मांगे जा रहे व्यक्तिगत विवरण के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में एक वायरल खबर में SBI के नाम से जारी एक संदेश ग्राहकों को अपने खाते को ब्लॉक होने से बचाने के लिए अपना पैन नंबर अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। यह देखने में बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। दरअसल PIB फैक्ट चेक द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि कभी भी अपने व्यक्तिगत या बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए ईमेल या SMS का जवाब ना दें। इस प्रकार के मैसेज के लिए आधिकारिक वेबसाइट reporter.phishing@sbi.com.in पर जाकर रिपोर्ट करें। साथ ही 1930 पर आप कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, नीतीश कुमार, अनवर करीम खान, चंदन कुमार, शंकर कुमार मुखिया, कुलदीप कुमार, अनु कुमारी, रोशन कुमार, नरेश राम, खुशबू कुमार, संजीवन कुमार, सुनील कुमार और मंजू कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ था, तब पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। क्या इस बार टीम इंडिया एशिया कप में पिछली हार का बदला लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।